हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। दोस्तों, हर एक वीडियो में हमने सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स देखे हैं, इस भी वीडियो में देखेंगे, लेकिन दिस इज बेस्ड ऑन योर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। सो वक्त न गवा के डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, देख लीजिए, ये जो वीडियो है दिस इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.6। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों देख लेते हैं। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोस्तों, ये भले ही इस एक्सरसाइज में हेडिंग दी गई है, लेकिन याद रखिए कि एग्जाम में ये हेडिंग देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी। मैं तो बोलूँगा 0.1% गारंटी है कि ये हेडिंग दे देंगे, 99.99% है कि कभी भी ये हेडिंग वो नहीं देते। हमें जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसे रिड्यूसिंग फॉर्म में कैसे लिखें और उसके बाद इसे कैसे दोस्तों सॉल्व करें। तो देख लेते हैं, इसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करें। तो देख लीजिए, जब जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं, वहाँ पे एक्स जो था वो न्यूमरेटर में था और वाई भी था वो न्यूमरेटर में था। अगर एक्स एंड वाई अगर डिनोमिनेटर में आते हैं, दैट मीन्स 1/x 1/y इस फॉर्म में आते हैं, तो हमें इसे रिड्यूस करना पड़ता है। अब रिड्यूसिंग यानी दोस्तों क्या होता है, देख लेते हैं। सो सी, आई से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, सो आवर आंसर स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो इक्वेशन 1 को हम रिड्यूस करेंगे और इक्वेशन 2 को भी रिड्यूस करेंगे। तो दोनों में जब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, तो 1/x की वैल्यू कुछ तो हम पुट करेंगे। सो पुट 1/x इज इक्वल्स टू, सपोज मैं यहाँ पे m पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देख लीजिए 1/y, यहाँ पे भी 1/y, दोनों टर्म में 1/y है, इसीलिए ये आएगा 1/y इज इक्वल्स टू n। ओके, अब दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है ना वो गलती करते हैं, वो क्या लिखते हैं, इसे 2m लिखते हैं, लेकिन देख लीजिए 1/2x है। ओके, इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/x की वैल्यू यहाँ पे मैंने m पुट कर दिया, सो मैं यहाँ पे m लिखूंगा, तो 1 इंटू m, दैट इज m/2, ऐसे दोस्तों यहाँ पे आने वाला है। सो अब इक्वेशन वन बिकम क्या बनेगा, m/2 प्लस यहाँ पे बनेगा ये 1/y की वैल्यू जो है n पुट कर दिए, सो ये बनेगा n/3 इज इक्वल्स टू 2। दोस्तों, इसे आप सॉल्व कर सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, बिकॉज यहाँ पे कुछ कभी भी नहीं देते कि इसे जो है, दैट मीन्स रिड्यूसिंग फॉर्म जो होता है उसे बाय स्पेसिफिक मेथड से ही करें। सो चॉइस इज योर्स, बट मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर इस फॉर्म में आता है तो इसे और भी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में ले जाए, बिकॉज यहाँ पे जो फ्रैक्शन फॉर्म है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है उसे आप एलिमिनेट कर दो। सो डिनोमिनेटर को अगर निकालना है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है 2, ये 3, 2 और 3 का एलसीएम ले लें तो 6 आता है, तो क्या करें, ईच एंड एवरी टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करें। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 6, तो दोस्तों हमें मिलेगा, ये देख लीजिए, इस m/2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, m/2 × 6 करें, तो 2 × 3 = 6, सो 3m यहाँ पे आएगा, प्लस ये n/3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 × 2 = 6, और 2n आएगा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे दोस्तों 12 आने वाला है। सो हम इसे बोल देंगे इक्वेशन 3। ओके, ठीक है, इक्वेशन 3 ना बोल के हम इसे पहले ax + by + c, दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लेते। सो ये बनेगा 3m + 2n, ये 12 इस साइड चला जाएगा, ये माइनस इज इक्वल टू 0। अब बोलेंगे इसे इक्वेशन 3। अब देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया इक्वेशन 1 का न्यू फॉर्म। अब इक्वेशन 2 के लिए काम करते हैं। सो देख लिए, इक्वेशन टू ये है, यहाँ पे भी 1/x की वैल्यू m ले लेंगे, सो ये बनेगा m/3 ये इक्वेशन, प्लस ये बनेगा n/2। ओके, नेक्स्ट जो बनेगा दैट इज व्हाट इज इक्वल्स टू ये 13/6, जैसे के जैसा। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये डिनोमिनेटर जो है उसमें क्या है, 2, 3 एंड 6, सो उसका अगर हम LCM ले लें तो LCM दोस्तों आएगा 6, सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 6, सो मल्टीप्लाइंग
थ्रो आउट बाय 6, तो हमें दोस्तों यहाँ पे मिलेगा, इसे अगर 6 में, यहाँ पे देख लीजिए, इसे अगर 6 से मल्टीप्लाई करते तो 3 2 6, तो यहाँ पे आएगा 2m, प्लस इस टर्म को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 6, तो यहाँ पे आएगा 3n इज इक्वल्स टू, इस टर्म को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 13। इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के लेते हैं, सो 2m प्लस 3n, ये 13 इस साइड चलाएगा, ये निगेटिव बनेगा, इज इक्वल टू 0। सो मैं इसे दोस्तों बोल रहा हूँ इक्वेशन 4। अब देख लीजिए, ये इसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों कर दिया, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करूँ। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि इस वाले दोनों जो इक्वेशन दिए आए हैं, दैट मीन्स इक्वेशन 3 एंड 4, उसे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो और एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर रहा हूँ। सो देख लीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन, दोनों में देख लीजिए यहाँ पे वेरिएबल m एंड n है। सो m यहाँ पे मैं दोस्तों ले रहा हूँ, m बाय जो हमारा, जो देख लीजिए यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशन लिख रहा हूँ, सो 3m प्लस 2n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यह थर्ड इक्वेशन है। और फोर्थ इक्वेशन कौन सा है, 2m प्लस 3n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है। जब हम m लेते हैं दैट टाइम क्या, ये दोनों टर्म जो है, दैट मीन्स b1 एंड c2, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 2 इंटू माइनस 13 दोस्तों आएंगे कितने, माइनस 26, यहाँ पे माइनस 12, सो ये निगेटिव पहले से ही था, ये निगेटिव आ गया, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, सो 12 3 36। नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल है दैट इज n, सो यहाँ पे मैं n ले लूँगा, सो यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे तो देख लीजिए, माइनस 12 माइनस 13 नेक्स्ट 3 2, सो इनका इनका मल्टीप्लीकेशन दोस्तों आएगा माइनस 12 इंटू 2 दैट इज माइनस 24, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव होता है, सो ये पॉजिटिव बनेंगे, 13 3 39, ओके इज इक्वल्स टू 1 बाय, सो 1 बाय जब लेते हैं दैट मीन्स 3 3 9 माइनस 2 2 4, ओके ये दोस्तों आ रहा है। अब देख लेते हैं, देयर फोर एम बाय 36 माइनस 26 यहाँ पे आएंगे 10 इज इक्वल्स टू एन बाय, यहाँ पे 39 है माइनस 24 करेंगे तो यहाँ पे आएंगे 15 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 दैट मीन्स 5। देयर फोर जो वैल्यू आएगी हमारी m की वैल्यू, m बाय 10 की वैल्यू हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 5, एंड n बाय जो 15 है दैट मीन्स n बाय 15 इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय 5। देयर फोर m की जो वैल्यू आएगी, 10 इस साइड चला जाएगा दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 बाय 5 दैट मीन्स 2, एंड n की जो वैल्यू आएगी 15 बाय 5 दैट मीन्स 3। बट दोस्तों गिवन क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गिवन क्वेश्चन में इन द फॉर्म ऑफ x दिए और हमारा जो आंसर आया हो इन द फॉर्म ऑफ m आए, दैट मीन्स हमने जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, दैट मीन्स पुट किए वैल्यू, तो हमें जो आंसर चाहिए वो भी इन द फॉर्म ऑफ x ही चाहिए। तो आप, हमने क्या x पुट कर दिया था, क्या पुट कर दिया, तो 1 बाय x इज इक्वल्स टू m पुट किया था। देयर फोर 1 बाय x इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी, 2, तो x की जो वैल्यू दोस्तों आएगी 1 बाय 2, सो x की जो वैल्यू आ रही है ये 2 यहाँ पे, x यहाँ पे 1 बाय 2, सो 1 बाय 2 ये x की वैल्यू आ रही है, ये 1 बाय 2 है, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। एंड जो पुट किया था 1 बाय y, सो 1 बाय y इज इक्वल्स टू n पुट कर दिया था, देयर फोर 1 बाय y इज इक्वल्स टू 3 आएगा दोस्तों, बिकॉज n की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई है, देख लीजिए 3 आ गई है, सो जो y की वैल्यू आएगी दिस इज नथिंग बट 1 बाय 3। सो दोस्तों हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल चुका है, x की वैल्यू 1 बाय 2 एंड y की वैल्यू 1 बाय 3। अब दोस्तों इसे थोड़ा हम चेक क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं कि ठीक है, हमने आंसर तो पाया है यहाँ पे, थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। सो 1 बाय 2 x की वैल्यू 1 बाय 2, सो यहाँ पे मैंने लिखा 1 बाय 2, प्लस 1 बाय 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 1 बाय 3,
सो थ्री थ्री गेट कैंसल, टू टू गेट कैंसल, वन प्लस वन टू, आर एच एस में भी यहाँ पे टू ही है, दैट मीन्स आवर आंसर इज एक्यूरेट. नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन के लिए चेक करते हैं. यहाँ पे देख लीजिए वन बाय थ्री एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन बाय टू है, प्लस यहाँ पे वन बाय टू वाई की वैल्यू वन बाय थ्री है. तो देख लेते इसका आंसर क्या आता है. तो देख लीजिए यहाँ पे थ्री वन जा थ्री बाय टू, सो यह बनेगा टू बाय थ्री, प्लस यह बनेगा थ्री बाय टू. अब देख लेते टू टू जा फोर, प्लस थ्री थ्री जा नाइन, टू थ्री जा सिक्स, नाइन प्लस फोर दैट मीन्स थर्टीन बाय सिक्स. यहाँ पे भी दोस्तों थर्टीन बाय सिक्स है. सो हमारा आंसर जो है यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई हो चुका है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार है, टू बाय अंडर रूट एक्स प्लस थ्री बाय अंडर रूट वाई इज इक्वल टू टू एंड फोर बाय अंडर रूट एक्स माइनस नाइन बाय अंडर रूट वाई इज इक्वल टू वन. सो दोस्तों इसे बोलते हैं इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू. अब इसे जो है इसे हम रिड्यूसिबल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करें, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट वाई है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन. तो हम क्या करेंगे, वन बाय अंडर रूट एक्स की वैल्यू कुछ तो पुट करेंगे. सो वन बाय अंडर रूट एक्स दिस इज इक्वल टू, सपोज मैं पुट कर रहा हूँ पी, एंड दूसरी जो वैल्यू है वन बाय अंडर रूट वाई दिस इज नथिंग बट मैं यहाँ पे क्यू पुट कर रहा हूँ. पहले वाले इक्वेशन में मैंने क्या किया था कि इसे m और n पुट कर दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो m एंड n पुट किया था. सो आप कोई भी अल्फाबेट लेके इसे सॉल्व कर सकते हो, नो इश्यू. सो इक्वेशन वन बिकम, सो मैं लिखता हूँ इक्वेशन वन बिकम, तो देख लीजिए यह बनेगा टू पी प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू टू बनेगा, और दूसरा जो इक्वेशन बनेगा दैट इज फोर पी माइनस नाइन क्यू इज इक्वल टू माइनस वन बनेगा. अब दोस्तों देख लीजिए दिस इज इक्वेशन थ्री एंड दिस इज इक्वेशन फोर. अब इसे आप कौन से भी मेथड से कर दो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से भी आप कर सकते हो. मुझे यहाँ पे एलिमिनेशन थोड़ा इजी लग रहा है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन थ्री को मल्टीप्लाई करना है. सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री बाय टू, क्यों कर रहा हूँ टू से, बिकॉज यहाँ पे भी फोर यहाँ पे भी फोर आ जाएगा. देयरफॉर आई गॉट हियर न्यू इक्वेशन दैट मीन्स फोर पी प्लस थ्री टू जा सिक्स, सो सिक्स क्यू, टू टू जा फोर, बिकॉज होल इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया टू से मल्टीप्लाई कर दिया. सो आई गॉट अनदर इक्वेशन दैट इज इक्वेशन फाइव, इसी का ये न्यू फॉर्म है. सो ये दोनों इक्वेशन में अभी मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा. सो इक्वेशन फोर माइनस इक्वेशन फाइव करता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फोर पी माइनस नाइन क्यू इज इक्वल टू माइनस वन एंड सब्ट्रैक्शन विद दिस, सो फोर पी प्लस सिक्स क्यू इज इक्वल टू फोर. सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो सिम्बॉल्स है वो चेंज हो जाएंगे. सो सिम्बॉल्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये बनेगा निगेटिव, ये भी बनेगा निगेटिव, ये भी बनेगा निगेटिव. फोर पी गेट कैंसिल, सो माइनस नाइन क्यू माइनस सिक्स क्यू दैट मीन्स माइनस फिफ्टीन क्यू इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस फोर दैट मीन्स माइनस फाइव. देयर फोर क्यू की जो वैल्यू आएगी माइनस फाइव बाई माइनस फिफ्टीन दैट मीन्स वन बाय थ्री. ये आगे वैल्यू क्यू की, दे पुट द वैल्यू ऑफ क्यू वन बाय थ्री इन सपोज इक्वेशन थ्री में पुट कर दो, तो इक्वेशन थ्री तो हमारा क्या है टू पी, सो टू पी प्लस थ्री, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिली है वन बाय थ्री, सो यहाँ पे क्यू की जगह पे वन बाय थ्री इज इक्वल्स टू टू. देयर फोर टू पी यहाँ पे वन थ्री थ्री जा थ्री वन जा थ्री, सो वन यहाँ पे रहेगा इज इक्वल्स टू टू, ये वन उस साइड चला जाएगा निगेटिव बनेगा, सो टू पी इज इक्वल्स टू वन. देयर फोर पी की जो वैल्यू है मिलेगी वन बाय टू. लेकिन हमारा जो दोस्तों सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, और हमने यहाँ पे जो वैल्यू पाई है दिस इज नथिंग बट पी एंड क्यू है. सो हमें जो चाहिए सॉल्यूशन वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई चाहिए. सो हम लिखेंगे बट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट बट जो वैल्यू दी है जो हमने पुट की थी वन बाय एक्स इज इक्वल टू क्या था पी. देयर फोर वन बाय अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय पी, पी की वैल्यू कितनी है वन बाय टू, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट एक्स इंटू वन, तो ये आएगा अंडर रूट एक्स, टू इंटू वन सो ये आएगा टू, लेकिन वैल्यू चाहिए होती है एक्स की, ये तो हमने पाई अंडर रूट एक्स की, सो स्क्वायरिंग करेंगे, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये फुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने ओ बी एस ऑन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा एक्स की वैल्यू मिलेगी फोर. अब दोस्तों देख लीजिए एक्स की वैल्यू मिलेगी, हमें वाई की वैल्यू चाहिए,
तो यहाँ पे लिखेंगे अल्सो, हमने अल्सो पुट कर दिया था कि 1 बाय अंडर रूट वाई की वैल्यू क्यू पुट कर दी थी. सो हमें मिलेगा 1 बाय अंडर रूट वाई, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्यू, दैट इज 3, 1/3. सो ये बनेगा अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 3 × 1 = 3. सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 3 × 3 = 9. सो दोस्तों हमें ये वैल्यू जो है x की वैल्यू 4 मिल रही है और y की वैल्यू यहाँ पे 9 मिल रही है. थोड़ा दोस्तों क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं, इतना तो सॉल्व कर दिया है, इतना वक्त तो गया है, तो सॉल्व थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर दे सो दैट हमारा आंसर जो यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा. देख लीजिए 2 बाय अंडर रूट, सो अंडर रूट x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 बाय अंडर रूट और y की वैल्यू कितनी है 9. सो 2 अंडर रूट 4 दैट मीन्स 2 ही होता है, 3 अंडर रूट 9 दैट मीन्स 3 होता है. सो यहाँ पे आएगा 1/1 + 1 दैट मीन्स 2, क्रॉस वेरीफाई हो रहा है. नेक्स्ट देख लो 4 बाय ये अंडर रूट एक्स की वैल्यू 4 ही है, एक्स की वैल्यू 4 है सो अंडर रूट एक्स दैट मीन्स ये बनेगा 2 माइनस 9 बाय ये वाई की वैल्यू 9 है सो अंडर रूट वाई की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी. सो ये चाहिए माइनस 1, देख लेते आता है या नहीं. 4 × 3 = 12 माइनस 9 × 2 = 18 डिवाइड बाय 6, देयरफॉर माइनस 18 प्लस 12 दैट मीन्स माइनस 6/6 सो माइनस 1 दोस्तों आ रहा है. सो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है कि वो 101. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, 4x + 3y = 14, 3x - 4y = 23. बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों क्वेश्चन है, देख लीजिए एंजॉय कीजिए इस क्वेश्चन को. यहाँ पे क्या हो रहा है कि y की जो वैल्यू है यहाँ पे y जो है न्यूमरेटर में, सो y को हमें रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ हमें जो यहाँ पे जो 1/x की जो वैल्यू है वो कुछ रिप्लेस करनी पड़ेगी. सो हम लिखेंगे पुट 1/x इज इक्वल्स टू यहाँ पे सपोज p लेते हैं, ओके. सो वी गेट न्यू इक्वेशन मिलेंगे, तो यहाँ पे 4 × 1/x तो ये बनेंगे 4p प्लस 3y, y को मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, y को जैसे के जैसे रख रहा हूँ. ये 14 इस साइड चलेंगे, ये निगेटिव बनेंगे, इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज इक्वेशन 3. एंड दूसरा जो इक्वेशन है 3, यहाँ पे 1/x की वैल्यू p पुट कर दिए, सो 3p माइनस 4y, ये 23 इस साइड चलाएंगे तो निगेटिव बनेंगे, इज इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वेशन 4. नाउ वी आर सॉल्विंग, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में इसे सॉल्व कर रहा हूँ. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, सो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, p. सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ p बाय, अब p जब लेते हैं तो इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो यहाँ पे -23 × 3 तो ये आएंगे -69, यहाँ पे निगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव बनेंगे. सो 14 × 4 = 56, सो यहाँ पे 56 इज इक्वल्स टू दूसरा वेरिएबल करें y. सो y जब लेते हैं तो ये टर्म और ये टर्म का मल्टीप्लीकेशन, ओके. सो 14 × 3 = 42, लेकिन 14 जो है निगेटिव है सो यहाँ पे निगेटिव. नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया अभी 23 × 4 = 92, तो यहाँ पे निगेटिव और ये पहले से ही निगेटिव था दैट मीन्स पॉजिटिव 92 इज इक्वल्स टू 1/, दैट मीन्स ये टर्म्स छोड़ के इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 4 × 4 = 16, ये निगेटिव 4 है सो -16, यहाँ पे -3 × 3 = 9. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है दोस्तों, इसे आप बाय फॉर्मूले भी कर सकते हो. दैट मीन्स मैंने आपको बताया था ए बी सी जब लेते हो दैट टाइम, ये अगर ए टर्म नहीं लेते हो तो ये बी सी, सो बी यहाँ पे आप लेते बी, यहाँ पे 1 × 2 = 1, ओके. बी बी सी लिख के बी सी माइनस बी सी 1 × 2 दैट मीन्स b1 c2 - b2 c1 ऐसे करके, ओके. वैसे भी आप कर सकते हो, नो इश्यू. नेक्स्ट तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर p बाय -69 - 56 दैट मीन्स ये माइनस बनेंगे, ये बनेंगे 5 कैरी 1 7 5 = दैट मीन्स 125 7 5 12 इज इक्वल्स टू y बाय ये 92 में से 42 गए दैट मीन्स ये रहेंगे 50 इज इक्वल्स टू 1/, ये दोनों के एडिशन -25. देयरफॉर हम ऐसे लिखेंगे p की जो वैल्यू है p बाय 125 इज इक्वल्स टू दिस, बिकॉज ऑल आर इक्वल
सो इज इक्वल्स टू माइनस 25, एंड दूसरी जो वैल्यू आएगी वाई बाई 50 इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 25. तो दो वैल्यू मिल रही है. सो पहली वैल्यू देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है कि जो पी है हमारा, ये देखो पी जो है, पी इज इक्वल्स टू ये माइनस 125 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कितने बनेंगे, माइनस 125 बाई माइनस 25. और दूसरी जो वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, ये 50 ऊपर चले जाएंगे, दैट मीन्स 50 इंटू 1 दैट मीन्स 50 ओनली बाई माइनस 25. तो पी की जो वैल्यू है 25 फाइव ज़ा 125, सो निगेटिव निगेटिव गेट कैंसिल, सो पी की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 5. और दूसरी जो वैल्यू आएगी ये निगेटिव है, सो निगेटिव टर्म ले लेंगे पहले, वाई इज इक्वल्स टू माइनस ये बनेंगे 2, बिकॉज 25 टू ज़ा 50. तो यहाँ पे दोस्तों दो वैल्यूज मिल रही है, एक वैल्यू ऑफ पी एंड दूसरी वैल्यू ऑफ वाई. गिवन इक्वेशन में वेरिएबल वाई तो दिया है, सो इतना 50% काम तो हमारा दोस्तों हो गया. लेकिन ये जो 1 बाय एक्स की फॉर्म में दिया, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमें चाहिए. सो हम बोलेंगे बट 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू पी होता है, देयरफॉर 1 बाय एक्स इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है, तो 5 है. तो 5 यहाँ पर चलाएंगे, एक्स यहाँ पे चला जाएगा, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आएगी 1 बाय 5. सो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सोल्यूशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. अब क्या करते हैं, थोड़ा इसे क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या फिर गलत. तो देख लो दोस्तों, ये है 4 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स इज नथिंग बट 1 बाय 5, सो 1 बाय 5 प्लस 3, और वाई की वैल्यू -2. देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं. सो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ये पॉजिटिव या निगेटिव, सो निगेटिव बनेंगे, 3 2 ज़ा 6, सो 20 - 6 दैट मीन्स 14 आना चाहिए. तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी 14 आंसर ही है. नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिए, नेक्स्ट जो इक्वेशन है 3 बाय एक्स, एक्स की वैल्यू 1 बाय 5 आई है, -4, वाई की वैल्यू -2 आई है. तो मुझे मालूम नहीं सोल्यूशन क्या है, तो देख लो 5 3 ज़ा 15, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बनेंगे, या बनेंगे 8. ओके 15 + 8 दैट मीन्स कितने बनेंगे, 23. सो यहाँ पे भी सही आंसर आ रहा है, दैट मीन्स आवर आंसर इज एक्यूरेट हियर. नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है कि यहाँ पे दिया है 5 बाय x-1 प्लस 1 बाय y-2 इज इक्वल्स टू 2 बोले हैं, और यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है. अब देख लेते हैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन में जब हमने ऑब्जर्व किया तो डिनोमिनेटर में x-1 x-1 y-2 y-2. तो हम लिखेंगे पुट, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, सो पुट 1 बाय x-1 इज इक्वल्स टू, सपोज कुछ तो पुट ना करना पड़ेगा, सो मैं यहाँ पे s पुट कर रहा हूँ, एंड 1 बाय y-2 इसे मैं t पुट कर रहा हूँ. मैं अलग अलग वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भी वैल्यू ले लो, नो इशू, आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, सिर्फ x एंड y मत ले लो बस. सो यहाँ पे आएगा 5 s प्लस ये 1, सो t इज इक्वल्स टू 2, ये एक इक्वेशन आ गया, सो आई से दिस इज इक्वेशन 3. एंड इक्वेशन नेक्स्ट वाला जो आएगा, दिस इज नथिंग बट 6 s - 3 t इज इक्वल्स टू 1. अब मैं इसे ना सॉल्व करना चाहता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बिकॉज मैंने अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, अपना ये भी कर दिया, एलिमिनेशन भी कर दिया, अभी इसे मैं सब्स्टिट्यूशन से करना चाहता हूँ. तो देख लीजिए ये इक्वेशन 3 है, सो बाय इक्वेशन 3 वी गेट ये t जैसे का जैसा इज इक्वल्स टू 2, ये 5s उस साइड चले जाएंगे, नेगेटिव बनेंगे. सो पुट जो वैल्यू ऑफ t आई है, ओके थोड़ा जूम, ओके तो जो वैल्यू आई है t की, दैट इज 2 - 5s, वो पुट करेंगे इन इक्वेशन 4. तो 4 में पुट कर दिया, तो यहाँ पे मिलेगा 6s - 3, और t की जो वैल्यू है दैट इज 2 - 5s इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे दोस्तों जो वैल्यू मिलेगी, थोड़ा जूम आउट, ओके सो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, देख लो कैसी वैल्यू मिल रही है हमें, यहाँ पे 6s जैसे के जैसा, -3 2 ज़ा 6, ये निगेटिव निगेटिव दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, 3 5 ज़ा 15, सो 15s इज इक्वल्स टू
वन. देयर फोर ये 15 प्लस 6 दैट मीन्स कितने बनेंगे 21s. ये माइनस 6 उस साइड चले जाएंगे ये पॉजिटिव बनेंगे, 6 प्लस 1 7. तो s की जो वैल्यू है वो बनेगी 7 बाई 21. देयर फोर एस इज इक्वल टू 7 3 21. सो s की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 3 मिल रही है. सो जस्ट पुट s इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, इसे 5 बोल देते, इक्वेशन 5. तो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 2 माइनस 5 एंड s की वैल्यू 1/3. सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3. सो 6 माइनस 5/3. सो यहाँ पे मिलेगा 1/3. सो t की वैल्यू 1/3 दोस्तों मिल रही है. लेकिन गिवन इक्वेशन क्या बोल रहा है? गिवन इक्वेशन हमें बोल रहा है कि फॉर्म जो चाहिए, वेरिएबल दिया है उस फॉर्म में ही सॉल्यूशन चाहिए. तो वेरिएबल कौन है? x एंड y. सो बट 1/x-1 इज इक्वल टू s. दियर फोर हम यहाँ पे दोस्तों बोल देंगे कि जो वैल्यू आई है यहाँ पे, वैल्यू कौन सी आ रही है देख लीजिए, ये जो वैल्यू आ रही है, सो 1/x-1 इज इक्वल्स टू 1/3. दियर फोर ये x माइनस वन यहाँ पे चला जाएगा, सो x माइनस वन आएगा, 1 × 3 दैट मीन्स 3. दियर फोर x इज इक्वल्स टू माइनस वन उस साइड चला जाएगा दैट मीन्स पॉजिटिव 1, सो 4. सो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 4 मिल रही. एंड ऑल्सो नेक्स्ट जो वैल्यू है दैट मीन्स 1/y-2 इज इक्वल्स टू कितना है, तो यहाँ पे t है. सो हम लिखेंगे 1/y-2 इज इक्वल टू t. t की वैल्यू 1/3 है, सो 1/3. तो यहाँ पे 3 × 1 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई माइनस टू जैसे के जैसा. दियर फोर वाई जैसे के जैसा ये टू ये साइड चलेंगे पॉजिटिव बनेंगे, 3 + 2 दैट मीन्स 5. सो वाई की वैल्यू यहाँ पे 5 मिल रही है. अब थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं जो आंसर आया है सही है या फिर गलत. अब देख लो दोस्तों ये पहला जो है 5/x, एक्स की वैल्यू 4 है तो 4 - 1 यहाँ पे बनेंगे 3 प्लस 1/y, y की वैल्यू कितनी है 5, सो 5 - 2 दैट मीन्स 3. तो 3 दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर 3 ले लिया, ये बनेंगे 5 + 1 6. सो यहाँ पे 2 आ रहा है दैट मीन्स एक्यूरेट. नेक्स्ट देख लीजिए 6/x की वैल्यू कितनी है 4 - 1 दैट मीन्स 3 माइनस 3/y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 - 2 दैट मीन्स 3. तो 3 कॉमन है, 6 - 3 दैट मीन्स 3, तो यहाँ पे 1 आ रहा है. एक्यूरेट आंसर दोस्तों आ रहा है, दैट मीन्स आवर आंसर इज 101% एक्यूरेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देख लो. उन्होंने क्या कर दिया कि एक्स बाय वाई जो है कॉमन डिनोमिनेटर दे दिया. आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ए प्लस बी अपॉन ए बी अगर दिया है तो आप क्या लिखते हैं, ए बाय ए बी प्लस बी बाय ए बी ऐसे लिखते हैं. इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं. वैसे यहाँ पे दोस्तों सिमिलरली करना है. सो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये कॉमन डिनोमिनेटर है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे. सो इक्वेशन 1 बिकम्स 7x/x/y माइनस 2y/x/y इज इक्वल्स टू 5. ये जो कॉमन डिनोमिनेटर उसे हमने सेपरेट कर दिए, तो यहाँ पे x इज गेट कैंसिल. सो यहाँ पे आएगा 7y माइनस 2y गेट कैंसिल, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल्स टू 5. ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गया. ओके सो इसे मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ बिकॉज x टर्म मुझे पहले चाहिए. सो मैं इसे लिखूंगा माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 5. ये आ गया, दिस इज इक्वेशन 3. नेक्स्ट इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में भी वही करेंगे. अब दोस्तों जरूरत नहीं होती कि ये सेपरेट वेरिएबल, ये सेपरेट जो टर्म्स है डिनोमिनेटर है वो आप डायरेक्ट दिखाएं. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज क्यों आप ये वेस्ट में इतने ये स्टेप कर रहे हो, बिकॉज इसका कुछ वेटेज भी नहीं होता. आप इसके बाद में ये डायरेक्ट लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैं अभी डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ. देखो 8x है, एक्स इज गेट कैंसिल, सो 8/y आ गए प्लस यहाँ पे 7 जैसे के जैसा, y y गेट कैंसिल, 7/x आएंगे इज इक्वल टू 15.
सो इसे भी थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं. सो 7 बाई एक्स सिंप्लीफिकेशन यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 15. सो दिस इज़ अवर इक्वेशन 4. तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो था पहला क्वेश्चन ओके उस तरीके से देख रहे हैं. तो यहाँ पे भी आप वही करेंगे कि 1 बाय एक्स की वैल्यू और 1 बाय वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और आपको ये आंसर मिल जाएगा. ओके सो दिस इज योर होमवर्क. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नहीं बिकॉज आई ऑलरेडी टेक 4 एग्जाम्पल्स. सो ये आपको आना ही चाहिए 101%. सो आप होमवर्क में और कमेंट में लिख लेंगे एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू, जो भी कुछ आएगी आप कमेंट में लिखने वाले. नेक्स्ट दोस्तों, ये भी सिमिलर टाइप ही है. सिमिलर टाइप में आपको इसे फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन करके दिखाता हूँ. देखो सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इन इक्वेशन 1 डिवाइड थ्रू आउट बाय एक्स बाय एक्स एक्स वाई थ्रू आउट बाय एक्स वाई. तो क्या बनेगा ये बता देखिए, 6x बाय एक्स वाई बनेगा प्लस 3y बाय एक्स वाई बनेगा प्लस इज इक्वल्स टू 6xy बाय एक्स वाई. यानी एक्स एक्स गेट कैंसिल सो यहाँ पे आएगा 6y, ये वाई वाई गेट कैंसिल सो 3 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 6. यानी इनडायरेक्टली आपको यही फॉर्म मिल रहा है, दैट मीन्स 3 बाय एक्स प्लस 6 बाय वाई इज इक्वल्स टू 6 वाला. ये आपको फॉर्म तो सॉल्व करना आता ही है बिकॉज हमने फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन था, देख लीजिए इस वाले जो क्वेश्चन है या फिर अंडर टेक्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी हमने ये कर दिया है. सो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत आएगी. सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ बिकॉज आई ऑलरेडी गिवन टू एग्जाम्पल्स एज अ होमवर्क. सो देख लो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज सपोज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. सो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई सो हम 1 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एम पुट कर दें एंड 1 बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एन पुट कर दें. सो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा, 10m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 4. ये एक इक्वेशन मिलेगा, दिस इज इक्वेशन 3 सपोज. ये बनेगा 15m माइनस 5, ये कितना बनेगा n इज इक्वल्स टू माइनस 2. दिस इज अवर इक्वेशन 4. अब देख लो दोस्तों यहाँ पे कौन सी भी मेथड अपना लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नो इशू किससे भी आप कर सकते हो. लेकिन मुझे जो है यहाँ पे जो सिंपल लग रही है वो लग रही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर करते हो तो ये सी वन की वैल्यू जो है ना, दैट मीन्स इक्वेशन 3 जो है ना, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो सी वन की वैल्यू माइनस 4 है और सी टू की वैल्यू प्लस 2 है, ये याद रखना है आपको. बिकॉज ये जब इस साइड चलेंगे तो ये माइनस बनने वाले और ये अगर इस साइड चलेंगे तो ये प्लस 2 बनेंगे और इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आएंगे. गलतियाँ यहाँ पे होती है दोस्तों, इसलिए मैं ये आपको इतने डिटेल में बता रहा हूँ. तो देख लो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, पहला वेरिएबल m है. सो m 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बनेंगे, 4 5 20 इज इक्वल्स टू दूसरा वेरिएबल है n. सो n को नहीं ले लेंगे, सो 4 माइनस 4 इंटू 15 कर देंगे, दैट मीन्स माइनस 60. यहाँ पे निगेटिव सिंबल आता है, दैट मीन्स 10 इंटू 2 दैट मीन्स कितना आएगा 20 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 होता है. नेक्स्ट 10 इंटू माइनस 5 दैट मीन्स माइनस 50 निगेटिव, यहाँ पे आएंगे 15 टू जा 30. डियर फोर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी m इज इक्वल्स टू m बाय सॉरी नॉट इक्वल्स टू m बाय यहाँ पे माइनस 20 प्लस 4 दैट मीन्स माइनस 16 इज इक्वल्स टू n बाय यहाँ पे आएंगे माइनस 80 इज इक्वल्स टू 1 बाय ये बनेंगे माइनस 80. डियर फोर यहाँ पे m बाय माइनस 16 इज इक्वल्स टू 1 बाय माइनस 80 लिखेंगे और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, n बाय माइनस 80 इज इक्वल्स टू 1 बाय माइनस 80. तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, सो ये जो वैल्यू है m की, m इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस 60 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 16 बाय माइनस 80 एंड दूसरी जो वैल्यू आएगी n इज इक्वल्स टू माइनस 80 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा
तो माइनस 80 इंटू 1 दैट इज़ माइनस 80 डिवाइड बाई माइनस 80। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है m इज इक्वल टू 16 5 80, सो 1/5, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू ये है और n की जो वैल्यू आएगी निगेटिव निगेटिव कैंसिल, सो 18 1 80, सो n की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन हमें जो चाहिए सॉल्यूशन चाहिए, वो सॉल्यूशन किसका चाहिए, एक्स एंड वाई का। सो बट जो पुट की है वैल्यू वो यहाँ पे लिख लो, सो 1/x + y इज इक्वल्स टू m एंड 1/x - y इज इक्वल्स टू n। देयरफॉर 1/x + y इज इक्वल्स टू m, m की वैल्यू कितनी, 1/5, तो यहाँ पे लिख ली 1/5। देयरफॉर ये जो वैल्यू मिलेगी x + y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगी 5, यहाँ पे x - y, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, n की वैल्यू 1 है, एंड दूसरा जो मिलेगा x - y इज इक्वल टू 1। फिर भी दोनों इक्वेशन मिल रहे हैं, अब देख लो जब ये क्या है, दोनों इक्वेशन मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे बोल देंगे, सो x + y इज इक्वल टू 5 जो है इसे बोल देंगे इक्वेशन 5, देखो जिसमें 4 तक ही इक्वेशन पुट कर दिया, और इसे एक बोल देंगे इक्वेशन 6। सो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो x + y + इज इक्वल टू 5 और दूसरा जो है x - y - इज इक्वल टू 1, तो x + x 2x आ जाएगा, y गेट कैंसिल, 5 + 1 6, सो x की जो वैल्यू है वो 3 बन रही है। सो पुट x = 3 इन इक्वेशन 5, तो इक्वेशन x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो 3 में कितने ऐड करें तो 5 बनेंगे, तो y की वैल्यू मिलेगी, वी गेट y = 2। दोस्तों इस प्रकार हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, x = 3 एंड y = 2। अब थोड़ा इसे क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं कि जो हमारा आंसर है वो सही है या फिर रॉन्ग। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2, देख लो ये क्या है, 10/x + y दैट मीन्स 3 + 2 दैट मीन्स 5 आ जाएंगे, प्लस 2/x - y 3 - 2 दैट मीन्स 1 आ जाएंगे, तो 5 दैट मीन्स 2 2 + 2 4, यस सही है। नेक्स्ट 15/, यहाँ पे आएंगे 5 - 5/1 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, -2, देख लेते आता है कि नहीं, ये आएंगे 3, तो -5 + 3 दैट मीन्स -2 दोस्तों आ रहे, सही आंसर आए, दैट मीन्स अवर आंसर इज एक्यूरेट हियर। नेक्स्ट सिमिलर दोस्तों, सिमिलर है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है सिमिलर इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व करना है। सो ये बहुत लेंदी बन जाएगी वीडियो, इसलिए मैं इसे भी एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। दोस्तों भले ये हेडिंग यहाँ पे दी गई है, लेकिन एग्जामिनेशन में ये हेडिंग देंगे इसकी कुछ भी गारंटी नहीं है आपको, ज्यादातर ये जो एग्जाम्पल है डायरेक्ट दिया जाता है। तो देख लीजिए ये जो एग्जाम्पल जो दिया है, जो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, रितु कैन रो, रो का मतलब दोस्तों होता है बोटिंग करना, देखिए ROW दैट मीन्स बोटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन, नेक्स्ट वर्ड है डाउन स्ट्रीम, सो देख लीजिए डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी दोस्तों क्या होता है कि सपोज ये रिवर है, रिवर का ये पानी है, ओके इसका जो फ्लो जो है, जो पानी यहाँ से जो जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन से अगर जा रहा है, तो ऋतु भी है वो इसी डायरेक्शन से अगर बोटिंग कर रही है, दोनों की डायरेक्शन एक ही हो तो उसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। ओके नेक्स्ट आता है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में दोस्तों क्या होता है कि फ्लो तो पानी का ऐसे ही है सपोज इसी डायरेक्शन में, और ऋतु जो जा रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यानी क्या होता है इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड होता है वो कम होता है, दैट मीन्स 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, देखिए यहाँ पे 2 आवर्स में 20 किलोमीटर गई और यहाँ पे 2 आवर्स में 4 किलोमीटर गए। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, स्टील वाटर दोस्तों यानी क्या, अब जो है जो कि हमारा ये वाटर जो था उसका फ्लो इस डायरेक्शन में था, तो ये स्टिल यानी क्या हमारा एकदम शांत पानी, जिसका पानी जो है जो ना कि इस डायरेक्शन से जाएगा या इस डायरेक्शन से जाएगा, सिर्फ स्टिल वाटर दैट मीन शांत पानी। सो
एंड स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट दैट मीन्स स्ट्रीम का जो स्पीड है, ये वाला, ये स्ट्रीम का स्पीड जो है वो हमें बताना है। यहाँ पे क्या बोले, फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर, तो ऋतु का जो स्पीड रहेगा इन स्टिल वाटर वो हमें बताना है। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन दोस्तों हम लिख लेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेट द स्पीड ऑफ हर, हर का मतलब दोस्तों कौन है, हर यानी ऋतु, सो हम लिखेंगे ऋतु, ऋतु इन स्टिल वाटर। आप देख लीजिए यहां पे किलोमीटर है, यहां पे आर्स है, सो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कुछ लेना पड़ेगा। सो यहां पे लेते हैं एक्स स्पीड है, सो किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पे और बोले एंड द स्पीड ऑफ द करंट, करंट को हम स्ट्रीम भी बोल सकते हैं दोस्तों, या करंट यूज वर्ड यूज किया तो भी चलेगा। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर, ओके ये दोनों को अजम्पशन कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, जो कि हमें चाहिए हर स्पीड, हर स्पीड यानी ऋतु का स्पीड, सो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ ऋतु रोइंग, वो जो बोटिंग कर रही है उसका स्पीड जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, देख लो पहले कौन सी है डाउन स्ट्रीम, सो हम लिखेंगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि ये देख लीजिए ये डाउन स्ट्रीम कंडीशन है, ये डाउन स्ट्रीम कंडीशन है, तो हमने क्या कर दिया ऋतु का जो स्पीड है उसे x बोल दिया और ये जो स्पीड है उसे y बोल दिया, तो ये रिजल्टेंट स्पीड जो आएगा वो कितना आएगा x प्लस वाई, सो यहाँ पे आएगा इन डाउन स्ट्रीम, सो यहाँ पे लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये किसका है ऋतु का स्पीड। और जो अपस्ट्रीम में जाएंगे इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों ये कंडीशन तो होगी, इस क्वेश्चन को थोड़ा बाजू रखते हैं यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला, सो वी नो दैट अ फॉर्मूला दैट मीन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पे अपस्ट्रीम में दोस्तों क्या होगा, ये डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, देखो इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि ये जो है ये स्पीड है, तो हम स्पीड की जगह पे x प्लस वाई लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, और 20 किलोमीटर कवर कर रही है, दैट मीन्स डिस्टेंस आएगा 20, और कितने आवर्स में, तो 2 आवर्स में, सो 2 यहाँ पे दोस्तों आने वाला है। सो ये डाउन स्ट्रीम में हमें एक इक्वेशन मिल रहा है, सो x प्लस वाई 20 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 10, सो दिस इज अवर इक्वेशन 1। नेक्स्ट जो कंडीशन दी है वो अपस्ट्रीम में दी है, सो हम लिखेंगे इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में देख लीजिए फॉर्मूले में डाल देंगे, अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितना है x माइनस वाई, सो यहाँ पे लिख लिया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर कर रहे 4, सो 4 एंड कितने आवर्स में, तो 2 आवर्स में, देख लीजिए यहाँ पे 2 आवर्स, सो डिवाइड बाय 2, यानी क्या, सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 बाय 2, यहाँ पे देख लीजिए 4 बाय 2 दैट मीन्स ये 2 आएगा, सो यहाँ पे दिस इज अवर इक्वेशन। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो इक्वेशंस मिल गए, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो दोनों को सॉल्व करो, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे क्या मिलेगा, तो देख लीजिए x प्लस एक्स ये बनेंगे 2x, प्लस y माइनस y गेट कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 10 प्लस 2 दैट मीन्स 12 बन जाएंगे, सो x इज इक्वल्स टू 12 बाय 2 दैट मीन्स 6। लेकिन x क्या है, x इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, सो यहाँ पे सिर्फ मैं x लिख के रख रहा हूँ। अब देख लो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू निकालनी है, सो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, सो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, वी गेट यहाँ पे x यानी 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट मीन्स 4, सो x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली। अब जो हमने कंसिडर किया था वो लिख लो, देयरफॉर द स्पीड ऑफ ऋतु, द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर
यानी शांत पानी में एक्स किलोमीटर पर आर, सो एक्स कितने 6 किलोमीटर पर आर, एंड दूसरा जो है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज कितना है, तो y किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू कितनी आएगी 4, सो 4 किलोमीटर पर आवर। सो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट वर्बल फॉर्म, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। टू मैन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, वाइल 3 ओमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 ओमेन अलोन टू फिनिश द वर्क आल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। तो दोस्तों क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा कि दो महिलाएं और 5 इंसान जो है वो दोनों अगर एक साथ काम करें तो जो काम है वो 4 डेज में कंप्लीट हो रहे हैं, अगर 3 महिला और 6 पुरुष जो है वो अगर काम करे तो 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अकेली एक महिला कितने दिन में काम पूरी करेगी, या और एक अकेला इंसान या पुरुष जो है वो कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो हम यहाँ पे पहले जो है जो चाहिए, तो देखिए फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 ओमेन अलोन फिनिश द वर्क, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेट द नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे डेज ही लगेंगे, टाइम बोले टाइम इज नथिंग बट डेज बोलेंगे, सो नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय, पहले कौन है ओमेन, सो टेकन बाय ओमेन इज इक्वल टू सपोज एक्स डेज बोल देते, एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन, सो टेकन बाय मैन विच इज इक्वल्स टू वाई डेज बोल देते। अब देख लो यहाँ पे एक ओमेन का एक दिन का जो वर्क, ये जो है वर्क डन जो बोलते हैं, यानी एक दिन में कितनी काम करेगी, तो उसे हम बोलेंगे देयरफॉर वर्क डन बाय अ ओमेन इन वन डे, देखिए जो काम कर रही है वो कितना एक्स कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने करेंगे 1/x, इतना वर्क डन वो करने वाली। अल्सो दूसरा जो आएगा वर्क डन बाय अ मैन इन वन डे वो कितना आएगा 1/y, तो इतना वर्क डन कर रहे हैं। सो जो कंडीशन दी है अभी उस कंडीशन में जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, सो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन, सो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या दी है देख लीजिए, टू ओमेन, एक महिला कितना काम कर रही है 1/x कर रही है, तो टू जो है और टू इंटू 1/x दैट मीन्स 2/x आएगा, सो 2/x एंड दैट मीन्स एडिशन। फाइव मैन, एक मैन कितना कर रहा है 1/y कर रहा है, तो फाइव मैन कितना करेंगे 5/y इज इक्वल्स टू कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, सो वर्क डन कितना है टोटल सपोज 1 मान लेते हैं, तो कितने डेज चाहिए उनके लिए 4, तो 4 अगर यहाँ पे लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे दैट मीन्स 1/4, मैं यहाँ पे एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप की है, डायरेक्ट ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट दूसरी जो कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन थोड़ा इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो देख लो यहाँ पे 1/x है, ठीक है नो नीड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो। नेक्स्ट जो आएगा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है नेक्स्ट जो आएगा देख लेते हैं, 6 मैन 3 ओमेन, सो 3/x प्लस 6 मैन, सो 6 मैन दैट मीन्स 6/y कैन फिनिश वर्क इन 3 डेज, सो 1/3, सो दिस इज अवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या करेंगे, तो पहले ऑब्जर्व करेंगे इसे डायरेक्ट मेथड से कर सकते या फिर हमें जो है इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 1/x है, यहाँ पे 1/y, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/y, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 1/x की वैल्यू कुछ तो पुट करने पड़ेगी। सो यहाँ पे बोलेंगे पुट 1/x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सपोज पुट करते हैं m, एंड
वन बाय वाई इज इक्वल्स टू एन पुट करते हैं. ओके सो ये जो आएगा ये कैसे आएगा. सो हमारा इक्वेशन वन जो है वो बनेगा टू बाय एक्स, सो टू एम प्लस फाइव एन इज इक्वल्स टू वन बाय फोर बनेगा. और दूसरा जो इक्वेशन बनेगा थ्री एम प्लस सिक्स एन इज इक्वल्स टू वन बाय थ्री बनेगा. तो अगर मैं इसे जो हूँ किसी भी मेथड से कर सकता हूँ, चाहे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. सो मैं चाहता हूँ कि इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करूँ, तो मुझे जो है ये वन बाय फोर इस साइड लेके आना पड़ेगा. सो ये निगेटिव बनेगा इज इक्वल्स टू जीरो, ये भी निगेटिव बनेगा इज इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इज अवर इक्वेशन थ्री एंड दिस इज अवर इक्वेशन फोर. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होती है, एम जब है यहाँ पे वेरिएबल तो एम वेरिएबल यहाँ पे लिख लीजिए. नेक्स्ट इनका इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन आएगा देख लो, यहाँ पे मैं रफ में करके दिखाता हूँ आपको, फाइव इंटू माइनस वन बाय थ्री, तो ये आएगा फाइव माइनस फाइव बाय थ्री. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस फाइव बाय थ्री. और यहाँ पे जो आएगा इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो सिक्स बाय फोर, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, सिक्स बाय फोर दैट मीन्स हम लिख सकते हैं थ्री बाय टू. नेक्स्ट जो आएगा दैट इज एन, सो एन बाय यहाँ पे इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो माइनस वन बाय फोर इंटू थ्री दैट इज माइनस थ्री बाय फोर. और इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो टू इंटू, सो यह निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, पॉजिटिव बनेंगे, तो टू बाई थ्री इज इक्वल्स टू वन बाय, अब इन दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन, सो सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व माइनस फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन. दोस्तों चाहे देखिए ये थोड़ा सा मैं जो है कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, बट नो नीड, आप इस फोर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो भी हो जाता अगर आपको इस ये जो है रैशनल फॉर्म है, अगर आप नहीं चाहते रैशनल फॉर्म में तो आप इस फोर को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते तो भी हो जाता, नो इश्यू. तो अब देख लो दियर फोर एम बाय ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस फाइव इंटू टू दैट मीन्स माइनस टेन, थ्री थ्री ज़ा नाइन और यहाँ पे थ्री टू ज़ा सिक्स, सो सिक्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिवाइड बाय सिक्स इज इक्वल्स टू एन बाय ये थ्री थ्री ज़ा नाइन बट निगेटिव थ्री सो माइनस नाइन, ये आएंगे एट, यहाँ पे फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व इज इक्वल्स टू यहाँ पे वन बाय ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन दैट मीन्स कितना आएंगे माइनस थ्री. तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है देख लीजिए, ये सिक्स ऊपर चले जाएंगे दैट मीन्स सिक्स एम बाय माइनस एम बनेंगे, माइनस वन बनेगा ये, इज इक्वल्स टू ट्वेल्व ऊपर चले जाएंगे, सो ट्वेल्व एन डिवाइड बाय ये बनेंगे माइनस वन इज इक्वल्स टू वन बाय माइनस थ्री. यानी जो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसी को ही, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, देयर फोर सिक्स एम बाय माइनस वन इज इक्वल्स टू वन बाय माइनस थ्री, देयर फोर एम की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देख लीजिए सिक्स थ्री ज़ा एटीन, सो एटीन लिखेंगे यहाँ पे, ये निगेटिव एटीन और निगेटिव वन इंटू वन दैट मीन्स निगेटिव वन, तो एम की जो वैल्यू है वो मिल रही है वन बाय एटीन, एम की वैल्यू मिली. नेक्स्ट जो है एंड नेक्स्ट जो वैल्यू है एन की, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वेल्व बाय, यहाँ पे देख लेते हैं ट्वेल्व एन बाय माइनस वन, सो ट्वेल्व एन बाय माइनस वन इज इक्वल्स टू वन बाय माइनस थ्री. तो ये ट्वेल्व थ्री ज़ा कितने आएंगे थर्टी सिक्स, सो थर्टी सिक्स ये निगेटिव है सो निगेटिव बनेंगे, ये निगेटिव वन इंटू वन दैट मीन्स निगेटिव वन आएंगे, सो एन की जो वैल्यू है वो मिलेगी वन बाय थर्टी सिक्स. सो दोस्तों हमें यहाँ पे एम और एन की वैल्यू मिली है, लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स चाहिए, एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए. तो पहले तो हमने जो पुट किया था उसे वापस पुट करेंगे, बट हमने क्या पुट किया था कि वन बाय एक्स की वैल्यू एम पुट की थी, यहाँ पे देख लीजिए, बट वन बाय एक्स इज इक्वल्स टू एम एंड वन बाय वाई इज इक्वल्स टू एन. तो एम की जगह पे वन बाय एटीन लिखिए, सो वन बाय एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय एटीन. तो एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सो एक्स आएगा, वन इंटू एटीन तो एटीन, एक्स की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे एटीन आ रही है,
और दूसरी जो वैल्यू है y की, तो 1 बाय y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 36, तो 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई, y यहाँ पे मल्टीप्लाई, सो y ओनली y इज इक्वल टू 36। यानी दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है तो हम लिख सकते हैं लास्ट में, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ओमेन देयर फोर टू कंप्लीट वर्क, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ओमेन आ, ओमेन के लिए एक्स डेज बोले थे, सो 18 डेज, एंड फॉर मैन अलोन आर 36 डेज। सो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार आ रहा है। अब देख लेते नेक्स्ट वाला, लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देख लो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या बोले कि रूही करके एक बंदी है, रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर, यहाँ पे ये सपोज रूही है, वो क्या कर रही है 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय, देखो उन्होंने 300 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुका है, जो कि उनके उसे जो है उसके घर जाना है। ओके तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस होम द डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर, उसमें से अ पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, यानी कुछ जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है सपोज ट्रेन से उन्होंने कवर कर दिया, और ये सपोज डिस्टेंस है वो बस से कवर कर दिया। अब वो बोल रही शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय द बस, यानी क्या इस 300 किलोमीटर से अगर 60 किलोमीटर ओनली दिस 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जा रही है, पहला जो अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो उसे 4 आवर्स लगेंगे। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोले, अगर ये 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है दैट मीन्स 300 माइनस 60 दैट मीन्स 240 किलोमीटर वो बस से जाएगी, दैट टाइम उसे 4 आवर्स लगेंगे। ओके एंड द रिमेनिंग द बाय बस यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है एंड रिमेनिंग बाय द बस, रिमेनिंग यानी कितना रहेगा, टोटल 300 है तो रिमेनिंग रहेगा 200, तो जाती है तो उसे जो है 10 मिनट्स लॉन्गर दैट मीन्स 4 आवर एंड 10 मिनट्स लगेंगे। ओके अब वो बोल रही है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, अब यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करने के लिए बोले। दोस्तों जब भी आपको जो फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं उसे एक्स एंड वाई हमें बोलना होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन विच इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे मैं मानता हूँ एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ बस विच इज इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं y किलोमीटर पर आर। अब गिवन इन्फॉर्मेशन दोस्तों क्या है, इन्फॉर्मेशन से अच्छी बात यह है कि टोटल क्या दिया है हमें, यह जो है ये टाइम दिया है, ये देखिए ये यहाँ पे टाइम इज गिवन, तो टाइम दिया है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है टाइम इज नथिंग बट स्पीड बाय सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड TDS TDS that means time is equals to distance by speed। तो यहां पे मैं लिखता हूं We know that the time is equals to distance by speed। अब टाइम जो दोनों को लग रहा है, देखो इस कंडीशन में अगर वो ट्रेन से जा रही है तो टाइम कितना लग, ट्रेन और बस दोनों से जा रही है तो उसे टाइम लग रहा है 4 आवर्स, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय गिवन इंफॉर्मेशन देखो टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स, सो मैंने 4 आवर्स लिख लिए। अब ट्रेन का ये जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है वो लिखना पड़ेगा, तो ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 60, तो यहां पे मैं लिखूंगा 60, और ट्रेन का जो स्पीड रहेगा, स्पीड यहां पे बोल दी है कि ट्रेन का जो स्पीड है दैट इज एक्स किलोमीटर, सो यहां पे मैं एक्स लिख रहा हूं, एंड दैट मीन्स ऐड करना पड़ेगा बस का, बस अगर देखो टोटल कितना है 300,
300 में से अगर 60 जाते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे रहेंगे 240, तो 240 ये हमारा आ गया डिस्टेंस, और स्पीड जो रहेगा बस का वो रहेगा y, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय y. सो ये दोस्तों हमें एक फर्स्ट इक्वेशन मिल रहा है. दूसरा जो इक्वेशन है देख लेते हैं. सो दिस इज अवर इक्वेशन वन. नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि अगर वो देखो शी ट्रैवल्स कितना 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर बाय ट्रेन प्लस सेम यहाँ पे मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम दे, डिस्टेंस कितना 100 एंड स्पीड बाय ट्रेन, नेक्स्ट बाय बस से करेंगे, तो यहाँ पे बस का जो डिस्टेंस रहेगा तो 300 माइनस 100 दैट मीन्स रिमेनिंग दैट मीन्स 200, और उसका स्पीड जो होता है वाई, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये दोनों मिला के टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना 4 hours and 10 minutes. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 प्लस, यहाँ पे 10 तो है दोस्तों, ओके नो इशू, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 4 plus 10, लेकिन 10 तो क्या है मिनट और 4 क्या है आवर है, तो 10 को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो कितने मिनट से यानी कि 1 hour होता है तो 60, सो 10/60 दोस्तों यहाँ पे आने वाले. तो इसे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे. सो 10 बाय यहाँ पे x प्लस 20 बाय y इज इक्वल्स टू 6 4 कितने बताए 240, सो 240 प्लस 10 दैट मीन्स 250 डिवाइड बाय 60, तो यहाँ पे आएंगे 25/6. यहाँ पे कैसे आ गया देख लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको, देख लीजिए 4 प्लस 10 मिनट्स लॉन्गर, सो 10 मिनट्स यहाँ पे जोड़ दिए 10/60. आप 0 0 ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो. 6 4 24, सो 24 यहाँ पे प्लस 1 डिवाइड बाय 6, सो 25/6 दोस्तों आ गया. अब यहाँ पे क्या करें, हम पुट करेंगे बिकॉज दिस इज रिड्यूसिबल फॉर्म. यहाँ पे वेरिएबल जो है एक्स एंड वाई वो न्यूमरेटर में नहीं है तो डिनोमिनेटर में, तो इसे रिड्यूस करना पड़ेगा. सो हम बोलेंगे पुट, दिस इज अवर इक्वेशन टू, सो पुट 1/x इज इक्वल्स टू यहाँ पे करते हैं पी सपोज करते एंड 1/y इज इक्वल्स टू क्यू करते. सो न्यू इक्वेशन हमें मिलेंगे, ये मिलेगा 60p प्लस 240q इज इक्वल्स टू 4. दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन सपोज, एंड फोर्थ इक्वेशन बनेगा ये यहाँ पे देख लीजिए 100/x दैट मीन्स 100p प्लस यहाँ पे ये 200q इज इक्वल्स टू 25/6 दोस्तों आ रहा है. अब ये 6 जो है डिनोमिनेटर में मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसे जो है थोड़ा और एक दैट मीन्स थ्रो आउट मल्टीप्लाई करूँगा 6 से. सो मल्टीप्लाइंग थ्रो आउट बाय 6, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 6 × 100 दैट मीन्स 600 दोस्तों आएगा. नेक्स्ट यहाँ पे 6 × 12 1200q इज इक्वल टू 25. सो दिस इज अवर इक्वेशन सपोज 4. अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 60p है, यहाँ पे 600p है. अगर मैं इक्वेशन 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 600 बनेगा. सो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 10 वी गेट. तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा 600, ये एक जीरो से बढ़ेगा, यहाँ पे भी एक जीरो बनेगा, सो 2400q इज इक्वल टू 40. सो दिस इज अवर इक्वेशन 5. अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5 कर देंगे, तो यहाँ पे मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ देख लीजिए. तो यहाँ पे इक्वेशन 5 से ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इक्वेशन 5 क्या है, 600 प्लस 2400q इज इक्वल टू 40, और ये जो इक्वेशन है 600 प्लस 1200q इज इक्वल टू 25. अब दोस्तों देख लो यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दैट मीन्स सिम्बॉल्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे. सो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो 600p गेट कैंसल. यहाँ पे 2400 माइनस 1200 दैट मीन्स 1200 आएंगे, क्यू इज इक्वल्स टू 40 माइनस 25, ओके तो यहाँ पे आएंगे 15. तो क्यू जो आएगा क्यू इज इक्वल्स टू 15/1200. तो ये जो वैल्यू आ रही है तो देख लीजिए ये 3 के टेबल में आ जाएंगे,
3 5 15, सो 3 5 15, 3 4 जा, सो 400, ये वैल्यू जो आ गई, दिस इज अवर वैल्यू ऑफ व्हाट, क्यू. नेक्स्ट जो है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, सो पुट क्यू इज इक्वल्स टू 5 बाय 400. ये 5 बाय 400 भी रिड्यूस हो जाएंगे, देखिए 5 1 जा 5 8 जा, दैट मीन्स 80, 1 बाय 80. सो क्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय 80 इन किसी भी एक इक्वेशन में जो कि पी एंड क्यू फॉर्म में. सो यहाँ पे मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ, इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 क्या है, तो 60p, सो 60p प्लस 240 q, क्यू की वैल्यू 1 बाय 80 है, इज इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पे 0 0 गेट कैंसिल, 8 3 जा 24, सो यहाँ पे मिल रहा है मुझे 60p. ये 3 उस साइड चले जाएंगे, ये पॉजिटिव थे नेगेटिव बन जाएंगे, दैट मीन्स 4 माइनस 3, दैट मीन्स 1 आ जाएंगे. सो p की जो वैल्यू आएगी दैट इज 1 बाय 60. तो यहाँ पे p की वैल्यू 1 बाय 60 मिल रही है और q की वैल्यू 1 बाय 80 मिल रही है. यहाँ पे मैं ठीक से लिख रहा हूँ, 1 बाय 80. ओके, सो बट हमने ये जो p और q की वैल्यू है पुट की है, सो यहाँ पे हम बोलेंगे बट 1 बाय x इज इक्वल टू पी है एंड 1 बाय y इज इक्वल टू क्यू है. तो यहाँ पे 1 बाय x की जो वैल्यू है, तो 1 बाय x इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू 1 बाय 60 एंड 1 बाय y इज इक्वल टू क्यू, दैट मीन्स 1 बाय 80. देयर फॉर x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, x ही रहेगा, यहाँ पे 60 into 1, दैट मीन्स 60 एंड y की जो वैल्यू आएगी दैट इज 80. लेकिन ये तो हो गए सोल्यूशन, लेकिन वर्बल फॉर्म में दिया है, सो वर्बल फॉर्म में क्या बोले, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली. तो ट्रेन के स्पीड के लिए हमने x बोल दिया, सो देयर फॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन इज इक्वल्स टू 60. यहाँ पे यूनिट देना इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे किलोमीटर में दिया और जो दिया है आवर में दिया, सो किलोमीटर पर आवर. एंड द स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल्स टू, बस का स्पीड कितना है यहाँ पे 80, सो यहाँ पे लिखेंगे 80 किलोमीटर पर आवर. सो इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज है यहाँ पे ओवर हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है. दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि CBSE बोर्ड ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं रिलेटेड टू अवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे. कैसी लगी वीडियो जरूर बता देना, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.